5. एंड इफ देर इज एनी बडी हु वॉन्ट्स टू जॉइन दिस सेशन, तो 6:05 पे हम फॉर्मली इसको स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह. सो लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ मोर, अ कपल ऑफ मिनट्स मोर. थैंक यू. डॉक्टर अयाज हुसैन हैं इस वक्त सेशन में या उनको बिहाफ पे कोई फैकल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ एनीबॉडी इज रिप्रेजेंटिंग कायद आज़म यूनिवर्सिटीज फैकल्टी, काइंडली अगर बता सकें. जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर उमर रशीद, मैं अवेलेबल हूँ. तो हमारे स्टूडेंट आएंगे, वो ज्वाइन कर रहे हैं. मैंने उनको लिंक भेज दिया था, तो होपफुली वो ज्वाइन कर रहे हैं. अभी एक क्लास भी खत्म हुई है, तो वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी. जी ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. इसीलिए मैंने कहा मैं एक दो मिनट वेट कर लेता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह. असल में अभी मेरी अपनी क्लास थी, तो वो थोड़ी लंबी होगी, तो 5 मिनट पहले खत्म हुई. जी जी, नो इश्यूज, नो इश्यूज. करेंगे बाकी वो लिंक वगैरह, तो मैंने कल ही बाकी लोगों को सेंड कर दिया था. तो जी जी, अभी आस्ते आस्ते आ रहे हैं, अभी 40 प्लस. हाँ नहीं, वो पहले 24 थे, मैंने इसीलिए वो मैसेज भेज दिया था कि अभी 24 है, तो मैं साथ साथ कर रहा हूँ उनको मैसेज. जी ठीक है. डॉक्टर अयाज भी ज्वाइन करेंगे या वो नहीं ज्वाइन करेंगे? मे बी वो ना करें जाए. अच्छा ठीक है. ये सेशन तकरीबन कितनी देर का होगा? ये सेशन हमने प्लान 7 बजे तक का किया जी. इंशाल्लाह 7 बजे हम इसको डेफिनेटली खत्म कर देंगे. इसमें 15-20 मिनट की ओरिएंटेशन है, और उसके बाद फिर इट इज ओपन टू फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स को 1 घंटे का बताया. अच्छा 6:05 हो गए, आई थिंक वी हैव 50+ पार्टिसिपेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू एवरीबॉडी हु हैज़ जॉइंड दिस सेशन. बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर रशीद आपका और डॉक्टर अयाज हुसैन, खासतौर पे जो फैकल्टी है कायद आज़म यूनिवर्सिटी की, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया है. बेसिकली दिस इज़ एन ओरिएंटेशन वेबिनार फॉर अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स होस्टेड बाय डाइस एनालिटिक्स. जैसे कि हानिया ने स्टार्ट में थोड़ा सा डाइस एनालिटिक्स के बारे में बताया, और एंड में भी हम थोड़ा सा डाइस एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे. जिन लोगों के माइक्स ऑन है, काइंडली अगर आप उसको म्यूट पे कर लें, ताकि जो बैकग्राउंड नॉइज है वो डिस्टर्ब ना करे. इसका एजेंडा आज के सेशन का ये है कि ये तकरीबन 20 मिनट्स की टॉक है जो मैं आपके सामने अभी करूँगा. इसमें जो मेजर एरियाज हमने कवर करने हैं वो है कि टिपिकल डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल इंडस्ट्री में what is that, so what is the typical data analytics life cycle in the industry. aap logon ka kyunki students hain, academia ka background hai, bahut sare logon ko iska idea nahi hota, so we'll talk about that. then why to pursue a career in data analytics, why this is the ideal time to pursue a career in data analytics, being a data scientist, being a machine learning engineer or a data engineer, why is this the very right time to pursue a career in this field. aur uske baad complete roadmap for career in data analytics. ये सबसे important probably part है of today's talk, जिसमें आपको step wise approach के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि आप कैसे जो है वो इसमें अपना career बना सकते हैं, कौन सा पहला step है, फिर कौन सा second हो सकता है, फिर उसके बाद किस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता grow कर सकते हैं, और lastly how DICE can help, अगर if you are interested in making a career in the field of data analytics, then how DICE can help you. And how what are the programs, what are the trainings that we offer, and how a great network has been established over the last few years in Pakistan, jisne Pakistan mein bahut sare data professionals jo hain wo produce kiye hain, aur ek bahut acha jo hai wo network jo hai wo produce kiya. So let me start with my introduction. Thoda sa introduction mera Haniya ne bhi karwa diya hai. Main basically I'm a graduate of NUST. I graduated in 1999 as a computer engineer. Or I started my professional career at the end of 1999. So, मुझे 21 years हो गए हैं professionally. I started off with
a job in NESCOM. Us waqt NESCOM to nahi tha, it was an organization under the Ministry of Defense. I started off my career from there. I spent some around 16 years in that organization. Aur 2016 mein I left that job aur maine ek apni company start ki by the name of Radic Technologies. Wo company abhi bhi chal rahi hai. Main usme as a CEO plus as a principal consultant jo hai, I am working in that company, and I'm also primarily working these days I'm working with the World Bank Group also as a consultant. I'm working on a project here in Pakistan and also a project in Indonesia. Jo log abhi join kar rahe hain, kindly apna mic agar mute pe karte hain taki background noise na aaye. At the start of my career, mera hands-on jo experience tha, that was in embedded system programming. Aur embedded system programming mein bhi thoda sa different is tarah se tha ki we were sorry. Kindly, अगर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपना माइक म्यूट कर लें. थैंक यू. सो मेरा जो करियर का स्टार्ट था, दैट वाज एज अ एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामर, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से था कि मैं आई वाज वर्किंग इन एप्लीकेशंस जिसको हम टेलीमेट्री एप्लीकेशंस कहते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली डाटा जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फिर उस डाटा को एक्वायर कर रहे होते हैं, और फिर उस डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं और उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो मेरा जो डेटा के साथ एक इंटरेक्शन है, दैट गोज बैक वेरी लॉन्ग टाइम. तो इसके अलावा आई हैव वर्कड एज अ कंसल्टेंट विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, और आजकल मैं मेनली प्राइमरीली डाटा एनालिटिक्स डाटा साइंस की फील्ड में काम कर रहा हूँ. ऑल्सो माई मेजर एक्सपीरियंस इज इन प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. और 2005 में आई वेंट टू यूके टू डू माई मास्टर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स इन यूके. और उसी साल जो है एक नेशनल प्रोजेक्ट में काम करने का, और प्रोजेक्ट के बेसिस के ऊपर आई वाज अवार्डेड तमगा इम्तियाज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 2005, एंड एट दैट टाइम आई वाज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द सिविल अवार्ड. अब उसके बाद अगर किसी और यंग पर्सन को मिला हो तो उसका मुझे पता नहीं है, बट इन 2005 आई वाज 27 एट दैट टाइम. तो दैट वाज वन ऑफ द यंगेस्ट, आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट रिसिपिएंट्स. अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज की जो टॉक है कि क्या इम्पोर्टेंस है डेटा एनालिटिक्स की. नुमान अजीज, अगर आप अपना माइक म्यूट कर लें क्योंकि बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है. थैंक यू. बेसिकली थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आप कह सकते हैं कि लास्ट 20 ईयर्स में that was the last years of the third industrial revolution, and the fourth industrial revolution started 2000s jab aapka internet jo hai wo aya uske sath hi fourth industrial revolution jo hai wo start ho gaya. Aur jab fourth industrial revolution start hua to hamari jo approach thi industry ki, it changed, started off with the steam engineering which is the first industrial revolution. Then इट केम जब मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट हुई तो ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था. उसके बाद जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ और कंप्यूटिंग और उसमें जो एडवांसमेंट्स हुई तो दैट वॉज द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. लेकिन इस थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो सफर है दैट वॉज वेरी शॉर्ट. और अभी इस वक्त हम वी आर वेरी मच इन टू द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उसमें आपको ये जो नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल डिवाइसेस, आईओटी प्लेटफॉर्म, 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट सेंसर्स और बिग डेटा एनालिटिक्स. तो आज हमारा जो फोकस है दैट इज बेसिकली ऑन बिग डेटा एनालिटिक्स. के बिग डेटा एनालिटिक्स एक तो होता क्या, एक तो है क्या चीज़, और क्यों ये ज़रूरी है कि आज इस फील्ड को हम सीरियसली जो है वो लें. तो लास्ट 20 ईयर्स में मुझे अगर अच्छी तरह याद है कि जब वंस आई वाज स्टार्टिंग माय करियर तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो अपनी पीक पे था, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हम नाम सुनते थे बट किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये कैसे रियलाइज होगा. इंटरनेट वाज स्लोली कमिंग. वंस आई वाज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी तो मुझे याद है कि हमारे पास वो एक जो है वो मॉडर्म बेस्ड जो कनेक्शन होते थे इंटरनेट के, उसमें कनेक्ट करने से लेके तो एक वेब पेज खोलने तक का जो टाइम है उसमें आप जो है ना बाहर बाजार से कोई चीज़ लेकर आनी हो तो वो भी आप लेके आ सकते थे. सच वॉज द स्पीड दैट वॉज बिंग ऑफर्ड एट दैट टाइम. और आज आफ्टर 2022 ईयर्स आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो दुनिया खड़ी है. तो जितनी तेज़ी से इंटरनेट ने ग्रो किया है और जितने तेज़ी से इंटरनेट का स्प्रेड हुआ है उतनी तेज़ी से ही जो है वो डेटा जो है
दैट हैज़ बिकम अ कमोडिटी. जैसे कि इंडस्ट्री में ऑयल एंड गैस में, जैसे ऑयल एक जो है वो कमोडिटी था, डेटा उसकी एक कमोडिटी. बहुत से लोग तो कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, बट इस पे थोड़ा सा डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है. बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ऑयल की इंपॉर्टेंस थी फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसी तरह डेटा की जो डेटा इज द बैकबोन फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो डेटा के आने से डेटा प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ गई है, डेटा को कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ गई है, और उसकी वजह से वी आर नाउ into an era जहाँ पे डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इज द नेम ऑफ द गेम. यानी बहुत सी कंपनीज जिनका आज से 20 साल पहले नाम ही नहीं था दुनिया में, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इस वक्त दे आर द इंडस्ट्री फ्रंट रनर्स. फॉर एग्जाम्पल गूगल इज वन, फेसबुक इज अनदर, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, ये जो जितने जायंट्स हैं जिनके नाम आप सुनते हैं, ये जो टर्न ऑफ द सेंचुरी था, दीज कंपनीज दे डिड नॉट इवन एग्जिस्ट. और ये क्या कर रही हैं, बेसिकली ये कंपनीज डेटा को प्रोड्यूस कर रही हैं, डेटा को कंज्यूम कर रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली वो डेटा को यूज़ कर रही हैं फॉर डिसीजन मेकिंग. अब ये जो चेंज आया है, इस चेंज की वजह से जो गट फीलिंग के ऊपर लोग डिसीजन लेते थे इवन इन द नॉर्मल इंडस्ट्री, वो चीज़ जो है वो अब आउटडेटेड हो गई है. सो अब आप ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस के ऊपर जो आपका जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा उसकी ज़्यादा वेटेज है. ऑल्दो पुराने लोग अभी भी इंडस्ट्री में हैं, यानी जो हाई जो सीनियर पोस्ट के ऊपर है, दे स्टिल गो विद देयर गट्स, बट स्लोली एंड स्टेडिली वो लोग अब जो है वो इस सीन से आउट हो रहे हैं. और आप टोटल जो डिसीजन मेकिंग है किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, और इवन अगर आप एंटरप्राइज लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पे सारा का सारा इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, एंड पीपल आर यूजिंग डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग. सो व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? सो डेटा एनालिटिक्स की अगर सिंपल सी मैं एक डेफिनेशन आपके सामने रखूँ, तो वो है, इट इज़ कन्वर्टिंग रॉ डेटा इंटू एक्शनेबल इनसाइट्स फॉर मेकिंग सक्सेसफुल डिसीजंस. तो इसमें तीन चीज़ें हैं. एक है कन्वर्टिंग रॉ डेटा, यानी डेटा आपके पास रॉ फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शनल डेटा, जो हमारा डेली बेसिस का डेटा है. हम किसी दुकान पे जाते हैं, कोई वहाँ से हमने कुछ चीज़ें खरीदी, तो वहाँ पर जो हम जब चेकआउट करते हैं, तो बेसिकली एक डेटा रॉ फॉर्म में, एक ट्रांजेक्शन की फॉर्म में जनरेट होता है, जिसमें जो चीज़ें आपने खरीदी हैं उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, वो सारा आपका डेटा जो है वो क्रिएट होता है. इसी तरह आप किसी भी ट्रांजेक्शन पे चले जाएं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, चाहे आप किसी बैंक में जा रहे हैं, चाहे आप किसी मोबाइल की सिम लेने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप कहीं नादरा के ऑफिस में जा रहे हैं, एनीथिंग, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू सी टुडे, आपका ट्रेवल है, एयरलाइंस के टिकट्स हैं, आपकी बस के टिकट्स हैं, एवरीथिंग, जो भी आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एग्जाम्पल्स हैं, उसमें आपका रॉ डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है. अब उस डाटा को जनरेट करके अगर कंपनी उससे कुछ एक्शनेबल इनसाइट्स निकाल रही है, तो दैट इज़ बेसिकली द सेकंड स्टेप. एंड अगर उसके बाद सक्सेसफुल डिसीजन जो है वो भी अगर उसकी बेसिस पे वो ले रहे हैं, तो दैट इज़ प्रोबेबली द होल ऑफ द डाटा एनालिटिक्स साइकिल. हम जो फर्स्ट रॉ डाटा वाली फॉर्म में, तो हम पहले से एग्जिस्ट करते थे. ये प्रोसेस जो है कंप्यूटराइजेशन या थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से स्टार्ट हो गया हुआ था. उसके बाद एक्शनेबल इनसाइट्स लास्ट 20 ईयर्स में इसके ऊपर बहुत काम हुआ, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब उस डेटा को यूज़ करती हैं, बट फिर भी जो गट फीलिंग है उसकी वेटेज हायर लेवल के ऊपर जाके ज़्यादा हो जाती है. लोग फिर भी अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर डिसीजन को अभी भी प्रेफर करते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में. लेकिन अगर आप इसमें से उस गट फीलिंग को निकाल दें या उसको कम कर दें, और सिर्फ सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ डेटा को यूज़ करें, तो बेसिकली ये डेटा एनालिटिक्स का जो साइकिल है ये कम्प्लीट हो जाता है. तो हम आज जो बात करेंगे बेसिकली वो इस लाइफ साइकिल की बात करेंगे, कि जहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि डाटा जो है वो जनरेट कैसे हो रहा है. वो हमें पता है कि डाटा जनरेट हो रहा है, बेतहाशा सोर्सेज हैं ये, इंटरनेट से जनरेट हो रहा है, हमारी जो डेली बेसिस के ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स हैं जिसकी मैंने एग्जांपल दी, वो डाटा जनरेट हो रहा है, और कहीं पे वो डाटा कहीं पे स्टोर हो रहा है. तो उसके बाद से जो प्रोसेस है, यानी वहाँ से उस डाटा को कलेक्ट करने से लेके उस डाटा को इंजेस्ट करना और उस डाटा को प्रिपेयर करना यूजिंग सम कंप्यूटेशन एंड देन टू प्रेजेंट दिस the insights from this data, ये typical life cycle है industry में data analytics का. इस सारे life cycle के अंदर हर stage के ऊपर there are multiple players जो कि इस सारे process को लेके चल रहे हैं. there are multiple roles, और आप लोग जो कि students हैं, जो graduate कर रहे हैं, उनके लिए ये जो diagram है that is the main diagram. अगर आपने अपना कोई career बनाना है और आप चाहते हैं कि आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में आएँ, तो ये लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को जो है वो फिट करना है. ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा अगर
एलैबोरेट करें और मैं इसको बिल्कुल एक लेमैन्स डायग्राम से थोड़ा सा इसको अगर मैं टेक्निकल साइड पे ले जाऊं, मेरे हल्का सा टेक्निकल साइड पे, तो दिस इज बेसिकली हाउ अ मॉडर्न डेटा वेयर हाउस और अ मॉडर्न डेटा आर्किटेक्चर लुक्स लाइक दीज डेज। तो आपके पास यहाँ पे सबसे ऑन द लेफ्ट यहाँ पे आपके पास जो है ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से डेटा जनरेट हो रहा है, या अगर मैं कहूँ तो ये वो सोर्सेज हैं कि जहाँ से डेटा हमने कलेक्ट करना है, हमने यहाँ से उठाना है। तो वो डेटा आपके पास एक्सेल की फाइल्स हो सकती हैं, आपके पास डेटाबेसेस हो सकती हैं, आपके पास मोबाइल या वेब की एप्लीकेशंस हो सकती हैं जिनके पास बैकएंड के ऊपर कोई रिलेशनल डेटाबेस भी हो सकता है, नो एसक्यूएल का डेटाबेस भी हो सकता है, और आपके पास स्ट्रीमिंग डेटा है यानी जो स्ट्रीमिंग APIs हैं आपके पास, यूट्यूब, आपके पास लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, जितना भी सोशल मीडिया का डेटा है जो कि हर वक्त जिसके ऊपर आपके पास बस में डेटा आ रहा है, दैट इज द स्ट्रीमिंग डेटा, और उसकी जो आपके पास जो है वो APIs जो है वो हर एप्लीकेशन की अवेलेबल है। तो ये जो हमारा डेटा, ये जो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड इज बेसिकली योर डेटा कलेक्शन। अब यहाँ से इस डेटा को उठाना और उस डेटा को किसी सेंट्रल जगह पर लेकर आना, ये नहीं, आप एक समझें इसको इस तरह से देखें कि जैसे एक पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है, जैसे घर के अंदर हमारे एक प्लम्बर जो है वो एक पाइपलाइन बिछाता है कि जी पानी को मैंने इधर से लेकर दूसरी जगह पे कैसे पहुंचाना है। तो बेसिकली ये इंजेक्शन जो है ना, ये आपकी एक तरह की पाइपलाइन है, ये एक ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है कि जिसने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है। और ये जो आपको सेंटर में ब्लॉक नजर आ रहा है, जिस HDFS, हाइव, डेटा साइंस एल्गोरिदम्स जिसमें आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली जिसको मॉडर्न हम अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये डेटा लेक का कॉन्सेप्ट है, यानी ये एक डेटा को डंप करने का की जगह है, यानी आपने डिफरेंट पाइपलाइन से डेटा को इंजेस्ट किया और आपने एक सेंट्रल जगह के ऊपर ला के आपने डेटा को जो है वो डंप कर दिया। सो दिस इज बेसिकली योर डेटा लेक, दिस इज योर बिग डेटा का जो भी आपकी रिपोजिटरी है, दिस इज दैट। अब यहाँ पर जो ये HDFS हाइव है इसके ऊपर हमने अभी फिलहाल उस पर हमें बात नहीं करनी, यहाँ पर बेसिकली जो डेटा सारा आके जब सेव हो गया तो उस डेटा को अब हमने यूज करना। काइंडली किसी का अगर माइक ऑन है तो वो उसको काइंडली म्यूट पे कर ले, थैंक यू। यहाँ से जो डेटा है ये डेटा जाएगा डेटा वेयर हाउस में। अब यहाँ पर डेटा रॉ फॉर्म में आ रहा है, अब इस डेटा को हमने बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है। तो यहाँ से ये डेटा जो है ये डेटा वेयर हाउस में जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था, यहाँ पे अब हम डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं और उस प्रिपरेशन के लिए, उस डेटा को ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें कुछ कंप्यूटेशन चाहिए, हमें पावर चाहिए। जाहिर है हमारे पास कोई कंप्यूटर्स होंगे, हमारे पास कुछ सर्वर्स होंगे जहाँ पे हम इस डेटा को जो है वो यूजफुल अपने काम के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। यानी आपके पास जो इतना सारा डेटा आ रहा है उस डेटा में से आपके काम का डेटा कौन सा है, वो सारी चीज़ ये प्रेपरेशन और कंप्यूटेशन में हो रही है। तो वो सारा काम जो है वो यहाँ पे हो रहा है, उसमें आपके पास डेटा वेयर हाउसेज हैं, उसके साथ आपके फिर एनालिटिकल डेटा मार्ट्स हैं कि जिसमें आप डेटा को सेग्रीगेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं कहता हूँ यार फाइनेंस का डेटा जो है वो एक डेटा मार्ट में डाल दो, मेरा HR का डेटा एक और डेटा मार्ट में डाल दो, मेरे कस्टमर्स का डेटा एक और जगह पर डाल दो, मेरी मार्केटिंग टीम का डेटा एक और जगह पर डाल दो। और उस डेटा को आपने जब एक जगह पे डेटा मार्ट में प्लेस कर दिया तो उसके बाद जो उसकी लास्ट जो फेज है दैट इज द प्रेजेंटेशन फेज, यानी जहां पर ये डेटा अब आपके पास इस फॉर्म में है कि आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे आप अपनी कंपनी में लोगों को बता सकते हैं, जो आपके सीनियर स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये डेटा प्रेजेंट किया जाता है जिसकी बेसिस पे वो डिसीजंस जो है वो लेते हैं। पैरेलल में यहाँ पे एक आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है इस जहां पर डेटा साइंस एल्गोरिदम्स लिखा हुआ है। अब ये डेटा जो आपके पास हिस्टोरिकल अवेलेबल हो गया है डेटा लेक में, इस डेटा को अब आप यूज कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, इसके ऊपर अब आप AI के एल्गोरिदम्स लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स लगा रहे हैं, इसकी बेसिस के ऊपर आप रिकमेंडेशन सिस्टम्स बना रहे हैं, इसकी बेसिस के ऊपर आप अपने कस्टमर्स क्लस्टरिंग कर रहे हैं, आप अपनी जो है वो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो ये सारा जो काम है ये इस मॉडर्न डेटा वेयर हाउस या इस मॉडर्न डेटा आर्किटेक्चर में हो रहा है। अब इस डायग्राम को आपने जस्ट देखना है, इसको समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ये एक आपके पास रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग दी इंडस्ट्रियल टूल्स, डिफरेंट इंडस्ट्री के टूल्स हैं जिसमें आपको नजर आ रहे हैं, HDFS नजर आ रहा है आपको, काफ्का, हाइव, अपाची फ्लैंक्स, अपाची स्पार्क, बैच रनर्स, बीम, ये सारी चीजें जो है ये डिफरेंट टूल्स हैं इंडस्ट्री के जो इस आर्किटेक्चर को, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, इसको रियलाइज करवा रहे हैं। अब ये डिफरेंट आर्किटेक्चर जो है डिफरेंट रोल्स को इसकी वजह से डिफरेंट रोल्स क्रिएट हो रहे हैं इंडस्ट्री में, जो कि अल्टीमेटली हमारा गोल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, ये सारा कुछ
दो तरह से हो रहा है। एक हो रहा है कि आपके पास आपकी प्रेमिसेस में ये आर्किटेक्चर आपने लगाया हुआ है, या ओवर द लास्ट 6-7 ईयर्स या लास्ट 10 ईयर्स एक कॉन्सेप्ट आया है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसमें यही आर्किटेक्चर पैरेलली पूरे का पूरा क्लाउड पे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जरूरी नहीं है कि आपके पास ये पूरे का पूरा आर्किटेक्चर आपके पास किसी आपके किसी डेटा सेंटर में या आपके किसी इन हाउस आईटी के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाओ, ये आप अपने उस आर्किटेक्चर के अलावा आप क्लाउड पे भी इसको रियलाइज करवा सकते हैं। तो दैट मींस कि आप खुद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हो सकता है आपका ये जो सारा आर्किटेक्चर होस्ट हुआ हुआ है ये किसी और मुल्क में हुआ हुआ है, ठीक है। यू डोंट नीड टू हैव दिस आर्किटेक्चर अवेलेबल विद यू फिजिकली, ये क्लाउड पे कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए 3 मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, AWS, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट Azure। तो इन तीनों के आर्किटेक्चर्स पैरेलली जो हैं वो आपको एग्जैक्टली यही काम करते हुए अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको देखें, जो हमने पिछली 4 स्लाइड्स में देखा है कि हमारे पास एक ये ऑन प्रेमिस आर्किटेक्चर है और ये हमारे पास क्लाउड के 3 सॉल्यूशंस या 3 आर्किटेक्चर जो हैं ये अवेलेबल हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर है ये आर्किटेक्चर आखिर जो हैं ये बन रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे रोल्स हैं जो कि जो 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 इस आर्किटेक्चर को चला रहे हैं। तो वो हमारा इस वक्त जो है ना वो फोकस है, जिसके हमारे पास ऐसी कौन सी ट्रेंड मैन पावर होनी चाहिए या ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स होनी चाहिए जो इस तरह के आर्किटेक्चर को, चाहे वो क्लाउड में हो या चाहे वो ऑन प्रेमिस हो, उसको चला सके, उसको मेंटेन कर सके, उसको ग्रो कर सके, उसकी बेसिस के ऊपर नई नई एप्लीकेशन जो है वो उसको डेवलप कर सके, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको जस्ट जो मैंने बात की थी जस्ट क्रूड सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास मोबाइल्स हैं, हमारे पास मोबाइल कंपनीज हैं, जैसे टेलीनॉर है, जैज है, यूफोन है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की कंपनी है, कोई भी कंपनी इस तरह की हो सकती है, तो हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट के ऊपर मुख्तलिफ टीम्स हैं जो कि डिफरेंट डेटाबेसिस में अपना डाटा जो है वो कलेक्ट कर रही हैं। कोई सिम बेचने वाला है या फॉर एग्जांपल या आपकी जो नई नई प्रोडक्ट्स हैं उनका डाटा वो एटलेटिक डेटाबेस में कर रहा है। उसके बाद आपकी एडवर्टाइजमेंट जितनी है, आपकी मार्केटिंग जितनी है, उसका एक डेटाबेस है जो वो टीम जो है उसको वो देख रही है। और फिर आपके पास आपके कस्टमर्स, यानी आपके कौन कौन से कस्टमर्स कहाँ पे हैं, वो किस एरिया में ये आपके सिम को यूज़ करें, ये जस्ट एक क्रूड सी एग्जाम्पल है। तो ये आपके पास वो साइड है कि जहाँ पर डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है, उसको आपने डेटा वेयर हाउस में लेकर आए और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो आपका बिजनेस इंटेलिजेंस निकल रही है, उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अब ये जो एरिया है बीच में, ये एरिया इतना सिंपल नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल एरिया। जैसे हमने पिछले उसमें देखा, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट रोल्स हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, डेटा लोड हो रहा है, डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है जी। तो एंड में डेटा कैसे प्रेजेंट हो रहा है, एक आपका सीईओ है या आपका जो बोर्ड है किसी कंपनी का, वो आपके डैशबोर्ड इस किस्म के जो है वो देख रहा है। समबडी हैज़ टू प्रिपेयर दीज डैशबोर्ड्स, और ये डैशबोर्ड्स जो हैं इनको कोई प्रेजेंट भी कर सकता है। ये डैशबोर्ड्स इस तरह के भी हो सकते हैं कि वो यूजर्स जो हैं वो उसको खुद यूज कर सकते हैं, वो खुद देख सकते हैं कि डेटा में कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने बात कर ली बिल्कुल क्विकली, बड़ा रफली, कि आपका डेटा एनालिटिक्स का लाइफ साइकिल क्या है। तो व्हाई टू परसू अ डेटा इन करियर इन डेटा एनालिटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस हवाले से वो ये है कि ये इस वक्त सबसे हॉट एरिया है अगर आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल सेट विच इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, और इस एरिया में आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है इफ यू आर अ स्टूडेंट एट दिस टाइम, कि आप इंडस्ट्री में काम भी कर सकें। नॉर्मली पाकिस्तान में 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री में चले जाते हैं आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और 30% जो है दे प्रेफर अ करियर इन हायर एजुकेशन, मास्टर्स करते हैं, PhD करते हैं। तो ये जो फील्ड है ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रही है, नॉट ओनली इन द इंडस्ट्री बट ऑल्सो इन एकेडेमिया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल होता है डेवोस में स्विट्जरलैंड में, इसके लास्ट ईयर में उनकी एक रिपोर्ट थी 2020 में फ्यूचर ऑफ वर्क के नाम से, दैट यू कैन सिंपली गूगल फ्यूचर ऑफ वर्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020। तो उसमें 80% कंपनीज का उन्होंने जो एक रिपोर्ट चाहिए कि उसमें बताया उन्होंने कि 80% ऑफ द कंपनीज आर लाइकली टू अडॉप्ट बिग डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज बाय 2025। सो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन 2025 तक आपको इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो नजर आएगी। और लास्टली इट इज़ अ गुड पेड फील्ड ऑल्सो, यानी अगर आप इसमें पे स्ट्रक्चर की बात करें, जो जॉब्स भी ऑफर हो रही हैं लोकल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, दे आर स्लाइटली ऑन अ हायर साइड देन द रेस्ट ऑफ द स्किल्स जो आईटी में चलती हैं। अच्छा, अब आपने रोड मैप अगर हम डेटा एनालिटिक्स का देखें तो ये
आपको 7-8 मैंने मोटे मोटे जो रोल्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं कि जी डेटा इंजीनियर की टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, डेटा साइंटिस्ट की सुनी होगी, मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है, डेटा एनालिस्ट होता है, बीआई डेवलपर होता है, क्लाउड इंजीनियर, ईटीएल इंजीनियर, ये क्या होते हैं? सो बेसिकली अगर मैं इसको बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ जो कि लास्ट पार्ट है वो ये है कि आपका किसी भी इंडस्ट्री में एंटर होने का एक प्रोसेस होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप बगैर उस प्रोसेस को फॉलो किए या उस एक स्ट्रक्चर को फॉलो किए आप किसी भी इंडस्ट्री में एंटर हो सकें। तो हम जो ये डेटा एनालिटिक्स की इंडस्ट्री है इसका जो फर्स्ट स्टेप है, जो इंडस्ट्री में जिसको फर्स्ट स्टेप माना जाता है या जिसको हम कह सकते हैं आप एट योर स्टेज इट इज़ द लोएस्ट लो हैंगिंग फ्रूट, वो है डेटा वेयर हाउसिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। यानी सबसे पहले आपने डेटा को जो कलेक्ट करने से लेके इंजेस्ट करने से लेके डेटा को प्रिपेयर और कंप्यूट करने का जो आर्किटेक्चर है उसको समझना है और उसकी बेसिस के ऊपर जो बिजनेस इंटेलिजेंस आपकी जनरेट हो रही है उसको आपने समझना है। सो बेसिकली आपको डेटा की पूरी एनालिटिक्स का जो ये पूरा आर्किटेक्चर है इसकी समझ होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ है तो आप कह सकते हैं कि मुझे डेटा वेयर हाउसिंग का भी पता है और मुझे बीआई का भी पता है। अब इसमें डेटा वेयर हाउसिंग में बिग डेटा का जो एलिमेंट है जैसे मैंने आर्किटेक्चर दिखाया वो उसका पार्ट है, बट नॉट नेसेसरीली एवरी ऑर्गेनाइजेशन डजंट रिक्वायर अ बिग डेटा आर्किटेक्चर। तो वो बिग डेटा की जो लेयर होती है वो बिग डेटा की लेयर आप बीच में से निकाल सकते हैं और आप डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली अपना डेटा को डेटा वेयर हाउस में लेके जा सकते हैं। सो अगर आपने इस एरिया में एंटर होना है तो आप सबसे पहले डेटा वेयर हाउसिंग और बीआई में जाएंगे और उसमें जो दो रोल्स इंडस्ट्री में आते हैं वो है ईटीएल इंजीनियर, यानी जो बेसिकली आपके रॉ डाटा को उठाएगा और अपने डाटा वेयर हाउस में लेकर आएगा यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स जो कि आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है वो एसक्यूएल है, यानी जो लोग आप में से एसक्यूएल पढ़ चुके हैं या जो मतलब कम अज़ कम एटलीस्ट 5th-6th सेमेस्टर्स में उनको पता होगा कि डेटा बेसिस की बेसिक बेस की जो लैंग्वेज है वो एसक्यूएल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कम अज़ कम यू शुड बी नोइंग एटलीस्ट अ कपल ऑफ टूल्स जो कि बीआई के टूल्स जिनको कहा जाता है, विच आर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जिसमें पावर बीआई और टैबलो जो है ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आपकी जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप एज ए रोल में अप्लाई कर रहे हैं बीआई डेवलपर या आईटीएल इंजीनियर के टेलीकॉम में, तो आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो एक बेसिक जो वो है क्या कह सकते हैं इसे जो एक डोमेन नॉलेज है वो आपके पास होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप अगर इस एरिया में रहना चाहते हैं तो द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप बिग डेटा में आ जाएं, ठीक है। तो बिग डेटा से मतलब ये है कि अब आप एक छोटे डेटा वेयर हाउस से अब आप एक ऐसी इंटरप्राइज में चले गए हैं कि जो कि बहुत सारा डेटा जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो सकती है, यानी जो जिसमें डेटा जो है वो मतलब डेली बेसिस के ऊपर जो है आपके पास गीगाबाइट का डेटा जो है वो ऐड हो रहा है आपके सिस्टम में, तो वो डेटा जो है उसके लिए एक अलग से आर्किटेक्चर आपको रिक्वायर्ड होता है, उसको कहते हैं बिग डेटा का आर्किटेक्चर। उसके लिए फिर आपके पास डेटा इंजीनियर्स आपको चाहिए जो कि उसको समझते हों कि इस डेटा को हमने कैसे हैंडल करना है, इसकी पाइपलाइंस को हमने कैसे मैनेज करना है। अगर यही सारा आर्किटेक्चर जो है ये क्लाउड में है तो आप उसको क्लाउड इंजीनियर भी कह सकते हैं या आप उसको बिग डाटा क्लाउड इंजीनियर कह लें। तो ये जो है ये उसका सेकंड स्टेप है। थर्ड जो स्टेप है जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ पाया जाता है वो ये है कि जी मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है ना सारे आजकल क्योंकि डाटा साइंस का वर्ड हम सुनते हैं वो मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है वो हमने सबसे पहले बनना है। थोड़ा सा इसमें एक जो क्लैरिटी रिक्वायर्ड है वो ये है कि मशीन लर्निंग इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेप। ये जो दो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इसमें अगर आप चले बिग डाटा को निकाल भी दें तो एटलीस्ट डाटा वेयर हाउसिंग एंड बीआई दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप शुड बी योर मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में जब आप आते हैं तो आपकी जो स्किल्स हैं उसमें जो ऑलरेडी आपने एक्वायर की हुई हैं उसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपको लिनक्स में स्क्रिप्टिंग का पता होना चाहिए, आपको एक कम अज़ कम लैंग्वेज जिसमें जो कि प्रेफरेबली पाइथन है वो आपको आनी चाहिए, जावा हो तो आपको जावा पे भी आप काम चला सकते हैं, स्काला पे भी चला सकते हैं। फिर आपको क्लाउड का भी पता होना चाहिए क्योंकि मोर और लेस आपका कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जब वो डिप्लॉय होगा तो वो कहीं ना कहीं उसमें किसी सर्वर पे उसने जाके इम्प्लीमेंट होना है जो कि मोस्ट लाइकली किसी क्लाउड पे होस्टेड होगा, तो आपको क्लाउड की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसमें मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ऑब्वियसली आपकी डोमेन नॉलेज उस एरिया की होनी चाहिए। और लास्टली जो है विच इज़ दी लास्ट स्टेप, जब आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को देख लेते हैं, उनको आप सीख लेते हैं, तो उसके बाद एक डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग बेसिकली
एक मशीन लर्निंग का ही पार्ट थी, मतलब बेसिकली ये एआई की डोमेन में ही आती है, मशीन लर्निंग भी और डीप लर्निंग भी, जिसमें हम स्पेसिफिकली उन एल्गोरिथम्स की बात करते हैं विच रिक्वायर हाई कंप्यूटेशनल पावर। तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, और उसमें जो आपका एक्चुअल जो डेटा साइंटिस्ट का रोल है वो ये है, यानी डेटा साइंटिस्ट वो होता है जिसको इन सारे एरियाज का पता हो। यानी डेटा साइंटिस्ट अगर आप अपने आप को कहते हैं तो दो इंडस्ट्री में ये समझा जाता है कि आपको इन सब चीज़ों का जो है वो पता है। ठीक है जी, और लास्टली क्वेश्चंस भी साथ साथ मेरे ख्याल में आ रहे हैं, सॉरी लास्टली ये एक आपको लास्ट में एक डायग्राम दिखा देता हूँ कि जिसमें आपको ये एक वेन डायग्राम नज़र आ रही है, जिसमें आपको थ्री सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो स्किल सेट है जो कि मैंने जैसे बात की थी, और उस स्किल सेट की स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर आप ये रोल अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप इस वक्त फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवन्थ, एट्थ किसी भी सेमेस्टर में हैं, तो अब आप ये सोचते हैं कि यार मेरे लिए कौन सा रोल जो है वो सूटेबल है। सो अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, सो दिस इज़ दी सॉफ्टवेयर रोल, यानी कि जिसमें आपकी हार्ड कोर डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, तो एक रोल ये, एक स्किल ये है। उसके बाद एक स्किल है कि जिसमें यू आर गुड एट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दिस इज दी अदर स्किल। एंड थर्ड स्किल इज जो कि बिजनेस के नाम से है, वो ये है, वो बिजनेस नॉलेज है या डोमेन नॉलेज है। किसी भी इंडस्ट्री में जाने के लिए, अगर आप हेल्थ सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको हेल्थ सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, अगर आप टेलीकॉम में जा रहे हैं तो आपको टेलीकॉम का नॉलेज होना चाहिए, अगर आप रिटेल में जा रहे हैं तो आपको रिटेल का नॉलेज होना चाहिए, अगर आप किसी और एरिया में जा रहे हैं तो आपके पास उस एरिया का नॉलेज होना चाहिए। काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें केस लीम, अगर आप अपना माइक म्यूट कर लें, थैंक यू। तो उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट स्किल्स हैं और उनके साथ ये डिफरेंट स्किल सेट्स हैं, और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है एनालिस्ट, बिल्डर, कंसल्टेंट, और फिर एक जो रेड में लिखा हुआ है यूनिकॉर्न। एनालिस्ट वो है कि जिसके मैथ्स की स्किल्स, स्टैट्स की स्किल्स अच्छी हैं, उसका एनालिस्ट का बनने का जो है वो ज़्यादा उसके अंदर एक टेंडेंसी है, या उसका स्किल सेट ज़्यादा सूटेबल है टू बिकम एन एनालिस्ट। बिल्डर या डेवलपर वो है कि जो कि सॉफ्टवेयर में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो अपने आप को इसमें एज अ डेवलपर देख सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस का नॉलेज, जिनकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं, जो कि बिजनेस को समझते हैं, जिनको अकाउंट्स का पता है, जिनको फाइनेंशियल्स का पता है, जिनको मार्केटिंग का पता है, वो लोग जो हैं वो अपने आप को एज अ कंसल्टेंट इस एरिया में प्लेस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के तौर पर प्लेस कर सकते हैं। और जो अपने आप को समझता है या जिसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि वो इन तीनों एरियाज का चीता है, तो वो फिर यूनिकॉर्न है, यानी ही इज समबडी हु कैन फिट इनटू एनी ऑफ दीज रोल्स। ये स्लाइड बेसिकली वही जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैंने आपके साथ जो जिक्र किया था, उसमें अगर आप जाएं उसकी रिपोर्ट पढ़ें तो ये 20 टॉप 20 जो जॉब रोल्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं अक्रॉस द इंडस्ट्रीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो सारे रोल्स आपको किसी ना किसी फॉर्म में नज़र आ जाएंगे, जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक जो है वो डेटा एनालिटिक्स के साथ है। इसी तरह आपके पास ये टॉप 12 जो डिफरेंट नामों के साथ, मैंने तो आपको जेनेरिक थोड़ा सा बताया, डिफरेंट नामों के साथ, यानी डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट स्पेशलिस्ट, BI सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, BI स्पेशलिस्ट, एनालिटिक्स मैनेजर, ये डिफरेंट नाम हैं जिनके साथ जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इस वक्त इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती हैं, और वो आप इन सारी रोल्स के लिए जो है वो अपने आप को फिट इन करवा सकते हैं। लास्टली ये सारा कुछ बताने के बाद मैं आखिरी स्लाइड में जो है वो सिर्फ जिक्र करूंगा कि डाइस, जिसका जिक्र शुरू में हानिया ने किया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज, कि पाकिस्तान में लास्ट 5 ईयर्स से एक ऑर्गेनाइजेशन डाइस एनालिटिक्स के नाम से बहुत सारी मैन पावर को ट्रेन कर रही है इस एरिया में, इस पूरे इकोसिस्टम में, इस पूरे आर्किटेक्चर में, जिसको मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया। और इसमें हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि पूरा साल रन होते हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी हमारी वेबसाइट का लिंक भी मैं आपके साथ, let me share that also. Sir, I have shared all the links of DICE okay. Analytics websites and social pages. Let me open that also. मैं उसको भी open कर लेता हूँ, ताकि अगर वेबसाइट को ये लोग देखना चाहें डायरेक्टली तो उसको देख सकते हैं। ये अभी वेबसाइट आपको नजर आ रही है diceanalytics.pk, इसमें अगर आप जाएं तो थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो आप ये देखें कि ये आवर इम्पैक्ट 5000 प्लस ग्रेजुएट्स हैं, 122 पब्लिक ट्रेनिंग्स करा चुके हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री के भी कर रहे हैं, साथ में 30% जो है वो ग्रेजुएट्स जो हैं उनको जॉब्स इंडस्ट्री में मिल चुकी हैं। ये नंबर प्रॉबेबली शायद इससे भी ज़्यादा है अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली जाके देखें। तो ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं हमारे पास जो कि मैंने आपके साथ जिक्र किया। ये ट्रेनिंग्स कुछ चल रही हैं, कुछ अभी स्टार्ट हो रही हैं। मैं डाटा वेयर हाउस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का ट्रेनर हूँ, जिसमें BI का पोर्शन मैं कवर करता हूँ। तो ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 29 से, प्रॉबेबली इसकी इनरोलमेंट्स तो हमारे पास अभी पूरी हो चुकी हैं,
लेकिन ये 8 हफ्ते के बाद ये तो कोर्स दोबारा से ऑफर होगा, तो आप ये कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेप, डेटा वेयर हाउसिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज को करने में, तो वो आ सकते हैं। उसके बाद एक पावर बी आई की वर्कशॉप है, वो भी मैं एज अ ट्रेनर मैं करवाता हूँ, जो कि ये 23rd of June से ये कोर्स जो है ये स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं वापस अपनी स्लाइड पे जाऊँ, तो एक स्लाइड मैंने स्किप कर दी थी, ये स्पेसिफिक टू द बी आई है, यानी मैं समझता हूँ कि बी आई इज प्रोबेबली द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। तो अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो एक्सेल और पावर पॉइंट, तो अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री में जाना है तो वो तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक्सेल पावर पॉइंट तो इज अ मस्ट, इज काइंड ऑफ अ प्रीरेक अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं जो कि डेटा पे काम करती है। उसके बाद आपकी एसक्यूएल की स्किल्स हैं जो आपको चाहिए, उसके बाद आपके बेसिक्स, आपको डेटा वेयर हाउसिंग की आपको पता होनी चाहिए, और देन द बी आई टूल्स। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है इसके लेफ्ट पे, दिस इज द बिगनर लेवल, यानी इस लेवल के ऊपर आपके पास बिगनर नॉलेज जो है वो होना चाहिए, यानी दिस इज द नॉलेज विच इज एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम रिक्वायर्ड टू एंटर द इंडस्ट्री। अगर आप इनके बगैर किसी इंडस्ट्री में एंटर होना चाह रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू वुड बी एबल टू गेट एनी एंट्री लेवल पोजीशन। और उसके बाद फिर आप अपने अपने टाइम में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। ऑब्वियसली जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो काम से भी आप सीखते हैं, उसमें आपके पास डेटा स्टोरी टेलिंग है कि आपने डेटा को कैसे डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स के थ्रू एक स्टोरी को टेल करना है, आपने अपने मैनेजमेंट को किस तरह एक स्टोरी बतानी है कि जी ये इस डेटा से मैंने क्या निकाला है। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड डेटा स्टोरी टेलिंग। फिर आपकी डोमेन नॉलेज आप ऐड करते जाते हैं, उसके बाद स्क्रीन शेयर करते हैं, एक्वायर सर्टेन सर्टिफिकेशंस, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, एंड सो ऑन। सो दिस इज बेसिकली द कंप्लीट पाथ के जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। प्रोबेबली मैंने थोड़ा टाइम 5 मिनट ज़्यादा ले लिया आपको चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में। तो एज ए स्टूडेंट, लास्ट वर्ड मेरा आपके साथ ये है कि मुझे आइडिया नहीं है कि आप इस वक्त ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे किस सेमेस्टर के बैठे हुए हैं, तो चाहे आप 5th semester के हैं, चाहे आप 6th semester के हैं, चाहे आप 7th के हैं, या चाहे आप लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आइडियली तो 5th semester से आपकी प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए एज ए स्टूडेंट के मैंने क्या करना है। तो आप अभी से सोचना शुरू करें कि मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट करना है इस एरिया में, या मशीन लर्निंग के एरिया में, या मैंने एज अ बीआई डेवलपर, या एज अ डेटा वेयर हाउसिंग, तो आप अभी से उसके ऊपर प्लानिंग स्टार्ट कर दें और उन स्किल्स को सीखना शुरू करें। सर आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी विजिबल नहीं है स्क्रीन पे। सॉरी, मैं एक मिनट देख। थैंक यू। जी सॉरी, आप नजर आ गया? जी अब विजिबल है। मैं ये वाली जो स्लाइड जो है इस पे बात कर रहा था, तो ये बेसिकली आपका लर्निंग पाथ है जिसमें सिर्फ फोकस बीआई का था, तो मैंने वो बातें ऑलमोस्ट बता दी हैं। तो बेसिकली जो मैं लास्ट बात कर रहा था कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अभी से, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, तो आप अभी से इस पर प्लान करना शुरू करें। आपको सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर मैं कहूँ कि आप डाइस से ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है, वो ये है कि आप एक उस नेटवर्क का पार्ट बन जाएंगे जो इस एरिया में ऑलरेडी काम कर रहा है। और वो जैसे कहते हैं, योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी आपका जो नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्थ को डिफाइन करता है। यानी अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई वर्थ है तो वो आपके नेटवर्क से पता चलती है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉबेबली यूनिवर्सिटी में उस तरह से नहीं बताई जाती हैं। आप एक किताबी दुनिया में रहते हैं, आपका फोकस ही क्विज़ेस, असाइनमेंट, सेशनल्स और फाइनल एग्जाम से आगे का नहीं होता, या बहुत होगा तो प्रोजेक्ट आपके जहन में होगा, या बहुत भी किसी स्टूडेंट की दौड़ होती है तो वो इंटर्नशिप के चक्कर में होता है। लेकिन इस सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, तो वो आपका नेटवर्क है, कि आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप उसकी बेसिस के ऊपर अपने करियर को प्लान कर सकते हैं। तो मैंने जो बातचीत की डाइस के हवाले से, और जो मैंने स्लाइड्स दिखाई, इसकी बेसिस के ऊपर इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी, तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और वो क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, एंड आई एम नाउ ओपन फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, एक दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा आपसे। डाइस एक अदारा है, मेंस का कैंपस I8 में या I9 में है, तो प्रोफेशनल H8 में, तो ये प्रोफेशनल ये कोर्सेज वगैरह करवाते हैं। तो जो भी आपने 4 मेन कोर्सेज बताए, लाइक बिग डाटा, मशीन लर्निंग एंड ये सारे, ठीक है, इसके लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होगी। एक तो वो एलिजिबिलिटी हमें डिस्क्राइब कर दें, लाइक हम अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें कुछ ऐसी भी तो एलिजिबिलिटीज होंगी कि जिसके लिए MPhil या कोई ऐसी डिग्रीज होंगी जो करना ज़रूरी है, और कुछ और लाइक अपना आपने अच्छा क्वेश्चन
जी 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 yes, please, please. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूँ। उसके बाद आपका आजकल मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा उसका स्कोप है, उसके लिए आपने बताया कि चार स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने वो स्लाइड्स में बताया कि इस तरह ग्रोथ हो रही है। तो उसमें जो मशीन लर्निंग है उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमने बिग डाटा या हमने डाटा वेयर हाउस की लर्निंग हमें पहले से होनी चाहिए। लाइक आपके पास 4 कोर्सेज हैं, हर कोर्स की ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ्स है, ठीक है, और उसके लिए ये है कि आप डायरेक्टली आप मशीन लर्निंग या डाटा साइंटिस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड हैं उसमें डायरेक्टली इनरोल हो सकते हैं या उसके लिए भी पहले प्री रेक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा आपके दोनों क्वेश्चन हैं, मैं दोनों दोनों बता देता हूँ, पहले मैं दोनों आंसर कर दूँ फिर आपका तीसरे क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। पहली बात तो ये है कि एलिजिबिलिटी इसके लिए ये है कि आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर इनरोल्ड हैं और आपका इंटरेस्ट अगर डेटा की फील्ड में है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, क्योंकि डेटा की जो फील्ड है इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपका किसी खास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना, इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का होना भी ज़रूरी नहीं है। यानी कुछ एरियाज़ में जैसे खास तौर पे अगर मैं डेटा वेयर हाउसिंग की बात करूँ या BI के टूल्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा को प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स भी होना आपके ज़रूरी नहीं है। आपकी लॉजिक होनी चाहिए, आपको SQL जो है ये बेसिकली सिंपल लॉजिक है, यानी इसमें कोई प्रोग्रामिंग का कोई इस तरह का आपका बैकग्राउंड नहीं है कि आप बड़ा कोई डीप कोई अच्छे डेवलपर हो, बहुत आपकी अच्छी स्किल्स हो तो आप सीख सकते हैं। आपकी बड़ी सिंपल सी लॉजिकल स्किल्स भी अगर हो, इवन अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो उसमें एलिजिबिलिटी ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रेफरेबली स्टूडेंट हो या ग्रेजुएट हो या इवन प्रोफेशनल हो। मैं आपको बताता हूँ मैंने ये सारे कोर्सेज ये इस एरिया के में एंटर होने के लिए मैंने किए हैं जब मेरी उम्र जो थी वो 40 साल से ज़्यादा थी, ठीक है, और मुझे 20 मतलब कम से कम 17-18 साल मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गए थे। और मेरे साथ उस क्लास में वो स्टूडेंट्स थे जिनको यूनिवर्सिटी में भी प्रॉबेबली इतने महीने नहीं हुए थे कि जितने मुझे प्रोफेशनली काम करते हुए हो गए थे, यानी देवर लाइक 4th semester, 5th semester के स्टूडेंट्स भी थे उस कोर्स में। सो इसके लिए कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है। जो कोर्स के लिए थोड़ी सी प्रीरेक्स होती हैं वो आप हर कोर्स पे जाएंगे तो वहाँ उन्होंने आपको थोड़ा सा बताया भी होगा, बट ये कोर्स करवाया ही इस तरह से जाता है कि इवन फाइनेंस के लोग, बिजनेस के लोग, वो लोग जो कि इंडस्ट्री में कोई टेक्निकल काम जिन्होंने कभी किया ही नहीं है, बस उनका सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ एक्सपोजर है, वो लोग भी ये कोर्सेज करें। तो दिस आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने आपके साथ ये जो स्लाइड शेयर की थी जिसमें मैं दोबारा से स्लाइड पर चला जाता हूँ, मैंने आपको जो ये डायग्राम दिखाई थी, ये जो लेटर दिखाया था कि ये लेटर आपने दिखाया जिसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस है कि अगर आप इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं। अब अगर एक बंदा पहले से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, हो सकता है अगर वो डाटा वेयर हाउसिंग एंड BI की इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको जरूरत नहीं है कि वो दोबारा से ये काम करे, लेकिन ये जो डायग्राम है ये एक स्टूडेंट के लिए है जिसमें बिग डाटा का जो स्टेप है ये ऑप्शनल है। यानी बिग डाटा का जो स्टेप है ये उस चीज़ के लिए है कि अगर आप अपने आप को एज अ डेवलपर इंडस्ट्री में एज अ डेटा और क्लाउड इंजीनियर अगर आपने आपको आप लेके चलना चाहते हैं, यानी उसमें यह है कि आपकी आपके लिनक्स का बैकग्राउंड हो, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बैकग्राउंड अच्छा हो, आप थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं करना, आपको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि डाटा आ कहाँ से रहा है और मैंने इस डाटा को कलेक्ट कहाँ से करना है और लेके कैसे आना है, मैं तो सिर्फ डाटा को यूज़ करना चाहता हूँ, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द बिग डाटा पार्ट। आप डायरेक्टली मशीन लर्निंग पर जा सकते हैं, लेकिन उससे उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक्स ऑफ डाटा वेयर हाउसिंग एंड BI अगर पता हो तो वो बेहतर है। ज़रूरी फिर भी नहीं है, ज़रूरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो एक लॉजिकल अगर आप देखें तो वो ये है। यानी इसको अगर मैं लेमन टर्म्स में अगर मैं इसको समझाऊँ आपको तो एक बड़ा एक्सपोजर लेने के लिए बेहतर होता है कि आपके पास छोटा एक्सपोजर हो, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली भी बड़े एक्सपोजर में जब आते हैं तो वो परफेक्टली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। यानी उनका अपना बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उनका स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज इतना अच्छा होता है, इवन उन्होंने अपने एंड पे भी कुछ टूल सीखे होते हैं, उनको पता होता है कि डाटा को मैंने प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे आपने एक्सेल में तो ग्राफ बनाए ही होते हैं, आई एम श्योर कि हर बंदे ने एक्सेल के अंदर एक किसी रो का किसी कॉलम का कोई एक बार चार्ट या एक बार ग्राफ या क्या कहते हैं एक पाई चार्ट, इस तरह की चीज़ें तो हर बंदे ने बनाई होती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, इवन एट अंडरग्रेड लेवल ये अंडरस्टैंडिंग होती है। बट उस चीज़ में अगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से या ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर आपने एक्सेल करना है तो दिस इज़ दी लॉजिकल स्टेप। यानी ये आपका लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, और इस वक्त कोशिश भी स्टूडेंट्स की ये होती है कि यार किसी तरीके से हम इंडस्ट्री में एंटर तो, सो दिस इज़ योर एंट्री पॉइंट। आपको ये जॉब्स भी ज़्यादा हैं, इनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, और इसके लिए एक्सपीरियंस का जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादातर नहीं होती। मशीन लर्निंग की जो जॉब्स होती हैं उसके लिए नॉर्मली आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस पहले से होना इंडस्ट्री में लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है।
So I hope this answers your second question also. Sir, मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहती हूँ अबू बकर के क्वेश्चन में. अबू बकर जो ट्रेनिंग डाइस एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहा होता है, इसका मेन पर्पज ये होता है टू ब्रिज द स्किल गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड दे वॉन्ट टू एंटर इन द इंडस्ट्री, राइट? ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड देन दे वॉन्ट टू एंटर इन द इंडस्ट्री. तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें हमें इस तरह की प्रैक्टिकल चीजें नहीं सिखाई जाती जो इंडस्ट्री में हमसे रिक्वायर कर रहे होते हैं. तो डाइस एनालिटिक्स का जो पर्पज है वो यही है, तो वो स्टूडेंट्स को वो टेक्नोलॉजीज और टूल्स सिखा रहे होते हैं जो उनसे इंडस्ट्री में रिक्वायर कर रहे होते हैं. तो जिस तरह सर ने बोला कि आपको कोई बहुत ज्यादा बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती इसके लिए, यू जस्ट हैव टू हैव अ आईटी बैकग्राउंड मे बी, और डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, दैट्स ओके. हमारे पास जो क्लासेस होती हैं उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं, और जो ट्रेनर होते हैं वो दोनों को साथ लेके चल रहे होते हैं. और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का आप टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं फेसबुक पेज पे. तो जो क्लास होती है वो बिल्कुल इस तरह चल रही होती है कि वो स्टूडेंट्स के हिसाब से भी होती है और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके हिसाब से भी होती है. दे बोथ स्टडी टुगेदर, दे बोथ लर्न टुगेदर एंड दे बोथ ग्रेजुएट टुगेदर. तो इस तरह से आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इफ़ यू एनरोल इन एनी ऑफ अवर ट्रेनिंग. Thank you, Anya. Nice presentation by Bakar Alvi. तो इसमें यह है कि एक तो डाटा एनालिटिक्स की आपने बात की, लेकिन इसकी अगर हम रूट्स देखें तो वो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है. तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें अबाउट इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री इन USA, इन चाइना, इन अदर कंट्रीज, तो वो एग्जिस्ट करती हैं बाकायदा लिटरेचर के अंदर, दे आर गिवन. लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आप इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री को अभी तक वो डिफाइन हमने नहीं की. डेफिनेटली यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमने अभी उसको डिफाइन नहीं किया. जैसे चाइना ने इसको सॉफ्टवेयर साइड पे और हार्डवेयर साइड दोनों पे डिफाइन किया हुआ, तो हमारी लगता ऐसा है कि हमने डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन हम इसको सॉफ्टवेयर की साइड पर ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि हार्डवेयर साइड पर हम लोग शायद इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे. तो वो मतलब उसमें मेरी जस्ट सजेशन थी कि आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, जिस तरह आपको गवर्नमेंट की तरफ से तमगा इम्तियाज भी मिला, वो सारी चीज़ें, तो ये चीज़ हमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री को हम डिफाइन करें जिस तरह से आपकी बाकी इंडस्ट्रीज डिफाइन है. तो वो बेसिक है इसका ना, उसके ऊपर फिर आप डाटा एनालिटिक्स बिल्ड करें या जो कुछ करें वो कर सकते हैं. आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है उमर साहब, मैं इससे एग्री भी करता हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन अब चीज़ें जो है ना वो बड़ी डिफरेंट हो गई हैं. यानी अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज है, यानी जब आप उसकी डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पे तो चीज़ें डिफरेंट हैं. और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान में हार्डवेयर की इंडस्ट्री में डेप्थ है ही नहीं, ठीक है ना. मतलब आपकी हार्डवेयर की इंडस्ट्री इफेक्टिवली इज़ वेरी वेरी लिमिटेड. इट इज़ मेनली लाइक एन असम्बली लाइन आपका एक सिस्टम है. आप ना कहीं पे कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड है. यानी जिन ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने जिक्र किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो काम कर रही है, बल्क ऑफ द आपका हार्डवेयर का जो काम हो रहा है वो वहाँ पे हो रहा है, और वहाँ पर भी वो बिल्कुल ही एक लिमिटेड सेगमेंट है जिस पे वो काम कर रहे हैं. तो इसको हम जिस तरह आप बात कर रहे हैं उस तरह से हम इसको यहाँ पर उसको जो है ना वो जनरलाइज फॉर्म में तो हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसको एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में प्रोबेबली नहीं देख सकते. तो डेटा की का जो करियर है, ये डेटा की जो एनालिटिक्स की फील्ड है, ये अब इवन आईटी के बैकग्राउंड के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि इवन अब ये आईटी के बैकग्राउंड के लिए भी शायद इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. यानी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा डेटा साइंटिस्ट ही बने, या हर बंदा जो है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर ही बने, या हर बंदा जो है वो डीप लर्निंग में ही जाए. इस वक्त इंडस्ट्री में अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ भी हैं, यानी अगर आपका टोटल फाइनेंस का बैकग्राउंड है और आपको डाटा को अंडरस्टैंड करने का या डाटा को प्रेजेंट करने के लिए आपको एनालिटिक्स के टूल्स का नहीं पता, तो आप हो सकता है कि कुछ सालों में आप रिडंडेंट हो जाएं या आपकी इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन ही ख़त्म हो जाए. इवन अगर आप मार्केटिंग के बैकग्राउंड से हैं, यानी आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं और आपको पता ही नहीं है कि मैंने डाटा, किसी सर्वे का डाटा, किसी कैंपेन का डाटा कैसे एनालाइज करना है और उसकी बेसिस के ऊपर कैसे डिसीजन लेने हैं, तो आप उसमें मतलब जो है ना आपका कोई करियर नहीं है. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो एक आप जो बात कर रहे थे ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो बैकग्राउंड वो प्रॉब्ली इतना अब मैटर नहीं करता. बट यस, एक अगर आप उसकी प्रॉपर फाउंडेशन की बात करें तो वो चीज़ है. अब जो हार्डवेयर की साइड है ना, वो अब आप कह लें कि IoT इज़ प्रॉब्ली उसका एक वो एक उसकी वो चीज़ रह गई है जिसको हम कह सकते हैं कि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम IoT, यानी कोई भी ऐसा हार्डवेयर का सेंसर, कोई भी एक ऐसी डिवाइस जो कि इंटरनेट के थ्रू डाटा को कलेक्ट करके डाटा को शेयर कर रही है, वो IoT के ज़ुमरे में आ जाती है. तो वहाँ पर बड़ा लिमिटेड सा
आपका एक है, इवन आपका एक टेम्परेचर सेंसर इज नाउ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब आप उसको हार्डवेयर, टेक्निकली तो वो हार्डवेयर है बट वो उस तरह का हार्डवेयर नहीं है कि जिस तरह का हम ये कहें कि किसी फॉर एग्जांपल किसी जो है वो इलेक्ट्रिक कार का हार्डवेयर है या किसी एयरक्राफ्ट के अंदर जो अवियोनिक्स लगी हुई है वो चीज़ है। तो इस चीज़ का इस स्टेज के ऊपर प्रॉबेबली इसको इस वक्त पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो स्पेसिफाई करना वो ज़रा मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको जेनेरिक ही करते हैं। इसलिए मैंने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई खास बात नहीं की, हालांकि मेरा अपना जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम्स का है, यानी मतलब आई हैव बीन बेसिकली डिज़ाइनिंग हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस जिसमें सॉफ्टवेयर जो है वो एम्बेडेड लेयर में ही होता है ज़्यादातर। तो बट वो इंडस्ट्री हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह से एक्सेल नहीं कर सकी जिस तरह से बाकी इंडस्ट्रीज ने एक्सेल किया है। और किसी का कोई क्वेश्चन अगर है कोई और जी? काफ़ी अच्छा आंसर आपने दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं देखना चाह रहा था डाटा के हवाले से, बिकॉज मेरा अपना भी सब्जेक्ट है डाट इज़ मल्टी मीडिया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो मैं उसमें काम करता हूँ कि हमारा जो डाटा है वो हेट्रोजीनियस है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉम्प्लेक्स है, और अब जो डाटा है ना उसके अगर आप रेशो देखें तो नॉन टेक्सचुअल कॉन्टेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू टेक्सचुअल कॉन्टेंट्स। तो अभी हम एनालिटिक्स तो डिफाइन कर रहे हैं ऑन टेक्सचुअल कॉन्टेंट्स और न्यूमेरिक डाटा कर रहे हैं, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा डाटा दूसरा भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए वी हैव कोई हमारे पास ऐसे टूल्स या ऐसी टेक्निक्स हैं कि उससे भी हम एनालिटिक्स निकाल सकें, उससे भी जनरेट कर सकें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको फिर इमेज से, वीडियो से, इन चीज़ों से करना पड़ेगा जी, आपका डाटा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, अगर आपने वो डायग्राम मेरी देखी हो ना, तो उसमें जो स्ट्रीमिंग डाटा का जो जहाँ मैं बता रहा हूँ या जो सोशल मीडिया का डाटा है उसमें वो यूट्यूब वीडियो शीडियो वो इमेजेस बेसिकली वो सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। और नॉर्मली जो हमारा जो डीप लर्निंग का जो कोर्स है उसमें हम ये सारी टेक्निक्स जो हैं और सारे टूल्स प्रोफेशनली जो यूज़ हो रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री में उसको हम वहाँ पर हैंडल करते हैं। जो बाकी तीन कोर्सेज हैं उसमें इमेजेस के ऊपर तो शायद डाटा साइंस में थोड़ी सी बात होती है, बट ज़्यादा जो फोकस है जो है ना वो नॉन इमेज या बेसिकली आप कह लें कि जो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, यानी वो डेटा जिसको हम किसी ना किसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में ला सकते हैं, इवन बेशक वो जनरेट उस फॉर्म में ना भी हुआ हो तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, वो नंबर्स की फॉर्म में है, तो वो डेटा जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट का होता है। सोशल मीडिया का डेटा इमेजेस को अगर आप निकाल दें तो उसमें टेक्स्ट का भी बहुत सारा एलिमेंट है वो हम देखते हैं, लेकिन जहाँ इमेजेस की बात आ गई, जहाँ पर वीडियोस की बात आ गई, इवन ऑडियो की बात आ गई, उसके लिए हमारा जो डीप लर्निंग का कोर्स है उसमें काफ़ी थॉरोली इस एरिया को जो है वो कवर किया जाता है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल इसके हवाले से? सर दो क्वेश्चन हो रहे हैं। सर अगर अबू बकर मैं आप मेरे हमनाम हैं, मैं किसी और को अगर चांस दे दूं क्योंकि yes, yes, दो yes, तो कोई और अगर yes, yes, okay. जी प्लीज सर, इस पूरी फील्ड में डाटा जो है वो उसका बेसिक पार्ट है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो इस डाटा के अंदर एक क्रूशियल पॉइंट है वो उसकी क्रेडिबिलिटी का, खासकर जब क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है तो उसमें हम कैसे इंश्योर करें कि जो डाटा हम यूज कर रहे हैं वो क्रेडिबल है या नहीं है? बड़ा आपसे जबरदस्त क्वेश्चन है। तो जो डाटा वेयर हाउसिंग का हम कोर्स पढ़ाते हैं उसका सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है या जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें जो डाटा वेयर हाउस बिल्ड करते हैं उसमें ये चीज़ कर जो बताई जाती है वो बताई ही जाती है कि डेटा वेयर हाउस इज बेसिकली कॉल्ड अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। यानी मेरे पास 50 जगह से डेटा आ रहा है, मुझे क्या पता कौन सा डेटा जो है वो उसकी ऑथेंटिक है, उस डेटा की क्वालिटी क्या है। तो ये चीज़ एस्टेब्लिश की जाती है, उसके जो प्रोसेसेस हैं वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं डेटा वेयर हाउस में। एक दफ़ा डेटा वेयर हाउस में आ गया देन फिर आप उस डेटा को क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब डेटा वेयर हाउस का डेटा जो है उसके ऊपर बेसिस पे जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, नाउ द ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिकेशन ऑफ दैट डेटा इज नॉट क्वेश्चन। यानी उससे पहले जो भी कुछ करना है वो आपने करना है, उसकी सारी टेक्निक्स, उसमें क्या चीज़ देखी जाती है, क्या कहाँ पे उस डेटा में अगर कोई चीज़ मिसिंग है उसको कैसे हैंडल करते हैं, उस डेटा में अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है उसको कैसे ठीक करते हैं, उसको क्लीन कैसे करते हैं, उसको फिल्टर कैसे करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, ये सारा हम उसमें देखते हैं। आई होप यू आई आंसर योर क्वेश्चन। जी, और कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई प्रेजेंटेशन के हवाले से, कोर्सेज के हवाले से, तो प्लीज, नहीं तो फिर अबू बकर आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने बीआई डेवलपर के लिए आपने बताया कि उसके जो स्किल सेट हैं उसमें सर आपने एसक्यूएल बताया और अपने बीआई टूल्स बताया आपने, तो सर जी सर उसमें आपने एक डैशबोर्ड बताया कि उसमें हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं,
तो सर ये काम जो है वो एक्सेल में भी हो जाता है, ठीक है, प्रीटी मच। तो क्या एक्सेल और एसक्यूएल इनफ नहीं है बीआई डेवलपर के लिए? इफ नॉट तो वो जो बीआई टूल्स हैं दूसरे टैब्लू और पावर बीआई, वो क्या प्रिविलेजेस हमें देते हैं ओवर एक्सेल्स? एक्सेल और एक्सेल, अगर मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो कि बेसिकली बीआई का टूल है, और एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। एक्सेल की कैपेबिलिटीज जो हैं और जो इसकी कैपेबिलिटीज हैं पावर बीआई, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। खास तौर पे पावर बीआई का जो एनालिटिक्स इंजन है, यानी बेसिकली जो आप एनालिसिस पावर बीआई में कर सकते हैं, एक्सेल में वो कैपेबिलिटी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि अब आपने जो चीज़ बनाई है उस चीज़ को आपने अपने लिए तो बनाया ही है, अब आपने उस चीज़ को शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, 50 लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट करना है, ये कैपेबिलिटी एक्सेल के अंदर नहीं है। ये पावर बीआई ऑफर करता है। पावर बीआई का अपना डेडिकेटेड एक पोर्शन है जिसको कहते हैं पावर बीआई सर्विस। तो पावर बीआई सर्विस है ही डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म कि जिसमें आप उस सारे को शेयर कर रहे होते हैं लोगों के साथ, कि आपकी कंपनी का सीईओ से लेकर तो जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो सारे उस डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इवन उस डेटा की बेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे होते हैं उसको अपने किसी जो आपकी कंपनी के अंदर जो अपने आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो कैपेबिलिटी जो है वो आपके पास एक्सेल में नहीं है। यस, एक्सेल का आपका नॉलेज या एक्सेल की आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करती है, एटलीस्ट पावर बीआई के केस में। बाकी जो टूल्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो डेटा वेयर हाउस होगा, जब आप एंटरप्राइज में जाएंगे तो वहां पर तो डेटा वेयर हाउस होगा, वहां पर तो आपका एक्सेल तो वुड बी जस्ट ये वाली चीज है। यहाँ पर आपके पास कुछ फाइलें पड़ी हैं जो आपके पास कहीं से डेटा आ रहा है। आपके पास तो हो सकता है 50 किस्म के डेटा बेसिस और हैं, हो सकता है आपके पास वेब का डेटा भी आ रहा हो सकता है आपके पास कहीं से सोशल मीडिया की स्ट्रीम भी आ रही हो, तो आपने तो सारे डेटा को इंटीग्रेट करना है, तो वहां पे फिर एक्सेल तो आपका ये काम नहीं कर सकती। तो वहां पर आपको डेफिनेटली किसी पावर बी आई टाइप या किसी भी आपको बिजनेस इंटेलिजेंस के किसी टूल के ऊपर जो है वो जाना पड़ेगा। जी ओके सर, थैंक यू, वेलकम। जी अबू बकर, आपका क्वेश्चन था कोई? यस सर। सर अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है हर बंदा सक्सेस की तरफ जाता है, तो अगर लेट सपोज कोई बंदा है उसने मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस है, हमारा जाहिर सी बात है इंडस्ट्री ऐसी है, तो वहाँ पे कोई भी सीईओ है या उसका ओनर होना चाहता है, तो जाहिर सी बात है उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, हर किसी को डील करना आना चाहिए, आपस में लिंक्स बनाने चाहिए, इंटर सिटी और इंटर कंट्रीज भी पता होना चाहिए। तो उस केस में आप कोई मैनेजमेंट के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं? एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा ये मैंने पूछना था कि मैंने इसका इनका आप लोगों का फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह देखा है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। आजकल शायद डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी लाइक हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो उनके लिए कोई रिलीफ वगैरह है? देखें मैं इसके ऊपर तो उसका कोर्सेज की जो फ़ी है या उसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। मैं एज एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल आपको सिर्फ इतनी बात सिर्फ इतनी सी बात आपको बताता हूँ कि आप अगर अपनी ज़ात के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप अपनी स्किल सेट के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस दौर में, वो इन्वेस्टमेंट अगर आपने सही तरीके से की है तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ इंडस्ट्री में वो आपकी प्रॉबेबली 10 दिनों में वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना उसकी रिटर्न आपको मिल जाती है। ठीक है, अगर आज आप 30,000, 20,000, 40,000 अगर अपने पे इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं दिस इज वर्थ 1 month लेस, मतलब इट इज़ लेस देन 1 month पे जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं उस स्किल सेट की बेसिस के ऊपर या उस नेटवर्क की बेसिस के ऊपर जो कि आप उस प्रोसेस में डेवलप करते हैं या उस नेटवर्क का पार्ट बनते हैं। जो आपने पहली बात की मैनेजमेंट की या जो आपने कहा कि जो एक्सेल करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, ये वो स्किल्स हैं जो कि जिनको कहा जाता है सॉफ्ट स्किल्स, और अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉबेबली इनको उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। और उसकी वजह यही है कि आपका क्योंकि इंट्रैक्शन ही नहीं है, आपका इंडस्ट्री के साथ क्योंकि कोई ब्रिज नहीं है कि जो कि एकेडमिया को इंडस्ट्री के साथ मिला सके। जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो ये स्किल्स साथ साथ डेवलप होती हैं। जो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फील्ड है, वो ये है, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक ऑनेस्टी और एक इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी ये है कि जो काम आपको दिया जाता है उसको ऑनेस्टी से करें, और इंटेग्रिटी ये है कि जो आपको कहा जाता है वो वैसे ही करें जैसे आपको कहा जाता है, यानी 2 + 2 = 4 ही हो, वो 5 ना हो। ये 2 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो बाकी स्किल्स
जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं वो एक्सपीरियंस के साथ आपको आती हैं। एक्सपीरियंस 2 साल में 3 साल में 5 साल में आप खुद फील करते हैं कि आप अपने करियर में कैसे एक्सेल कर रहे हैं, टेक्निकली भी और मैनेजमेंट वाइज भी। तो ये स्किल्स वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, बट जो प्राइमरी स्किल है जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत सारे ग्रेजुएट्स में हमें नहीं मिलती, वो ये है कि दे आर नॉट ऑनेस्ट। आपके साथ बात कुछ करते हैं और पीछे कुछ और होता है। इंटेग्रिटी ये होती है कि आपकी कंपनी में हफ्ता लगाया होता है और साथ ही अगले हफ्ते वो किसी और कंपनी में जॉब तलाश कर रहे होते हैं। यानी एक जिस तरह वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने लूडो खेली हो तो लूडो में एक वो लूडो की बैक साइड के ऊपर एक वो गेम होती है जिसमें वो लैडर और स्नेक वाली, तो बेसिकली वो जल्दी से जल्दी जो है ना वो 100 टच करने के लिए आप जो है ना वो सीढ़ियों की तलाश में होते हैं। लेकिन होता ये है कि उसमें आपको एक दफ़ा को तुक्का लगता है तो आपको सीढ़ी मिल जाती है, लेकिन फिर ये हम भूल जाते हैं कि उसमें स्नेक्स भी होते हैं। तो आपकी कई दफ़ा कहीं कोई ऐसी एक जिसको कहते हैं कि आपकी कैसी कोई तेज़ी जो है वो आपको थोड़ा वक्ती तौर पर फ़ायदा तो दे देती है, बट उसके बाद आप किसी ऐसे चक्कर में फंसते हैं कि आप फिर उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये अगर आप में हैं, अगर आपके साथ एक आपका अच्छा एटीट्यूड है, अगर आप लर्निंग का एटीट्यूड है, आप अपने समझते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो आराम से एक तरीके से अगर आप इंडस्ट्री में चलें तो आपको यकीन माने कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आज जहाँ पे काम करते हैं लोग आपको याद करते हैं, जहाँ से जाते हैं वहाँ पे भी लोग आपको याद करते हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका पॉजिटिव एक इमेज ही बनता है। ठीक है, सो मैं तो अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये बात शेयर कर सकता हूँ। बाकी फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आप बात कर सकते हैं, प्रॉब्ली देर आर पीपल जो कि इसके ऊपर देर आर प्रोग्राम्स, मे बी हानिया भी शायद कमेंट कर सकती है। जी सर, मैं प्रोबेबली आपको नहीं देखता। जी सर, अबू बकर, प्राइसिंग के लिए हिसाब से जो स्टूडेंट्स की ईज के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान्स अवेलेबल होते हैं, 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है मैक्सिमम, तो उसमें आप इंस्टॉलमेंट्स पे अपनी फी सबमिट करवा सकते हैं। प्लस अगर आप ग्रुप्स में ज्वाइन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, 2-3-4 ग्रुप्स स्टूडेंट्स के साथ, तो उसमें आपको फिर 10% 15% ऑफ भी मिलता है पर ट्रेनी। तो इस तरह से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है फी सबमिट के लिए करने के लिए। थैंक यू हानिया। और आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन है, आपका कहीं ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, आपने घर पे इंटरनेट लगाना है, और ज्यादातर जो कोर्सेज हैं ये 80-20 इसमें रेशो होता है, 80% हैंड्स ऑन है, आप टूल पे ही काम कर रहे होते हैं, 20% वो चीज होगी कि जो कि आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा थ्योरी या सपोर्टिंग थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, दैट इज 20% हार्डली 20%। यानी इवन मैं तो बीआई का कोर्स जो मेरा है उसमें तो प्रॉब्ली से 10% होती है। सिर्फ हम स्लाइड पे दो चीजें बताई कि यार ये पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं, एंड everything is on hands on, डेटा को आप डेटा के साथ ही खेल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो फैक्टर उस तरह का नहीं है कि जैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट होती है तो आपकी कुछ लंबी लंबी स्लाइडें चल रही हैं, लेक्चर है, उस तरह की चीज़ नहीं है। तो आप अपने घर में बैठे हैं अपनी कंफर्ट में अपने लैपटॉप, यू ऑल यू नीड इज अ गुड लैपटॉप और अ डेस्कटॉप एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। जी, और कोई क्वेश्चन? वी हैव जस्ट 5 मिनट्स प्रॉब्ली, उसके बाद हमारे पास मगरिब की नमाज का टाइम हो जाएगा, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कॉमेंट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर, ये जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर है ये हमें कहाँ पे मिलेगा? बाद में आप लोग लिंक शेयर कर देंगे इसका? जी हानिया, बिल्कुल, इसका लिंक शेयर बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है और इसका लिंक शेयर कर देंगे। आप फेसबुक पे हमारे पेज पे एक क्यूरी ड्रॉप कर दें ताकि हमें पता हो कि हमें आपके साथ शेयर करना है, तो रिकॉर्डिंग लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। डाइस के नेम से ही है आपका फेसबुक पेज? जी, मैंने चैट बॉक्स में लिंक्स ड्रॉप किए हैं, और डाइस एनालिटिक्स के नाम से ही है फेसबुक पे। हमें सब दोबारा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है नहीं है, मैंने लेट जॉइन किया। मैं दोबारा कर लेती हूँ। थैंक यू। फेसबुक पे डाइस एनालिटिक्स, DICE और एनालिटिक्स आप लिखें तो आपको फेसबुक पे पेज मिल जाएगा। वेबसाइट इज आल्सो diceanalytics.pk। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, anything else? सर, ये जो कोर्सेज आपने बताए सारे, ये YouTube वगैरह पे या जहाँ पे फ्री भी हमें बहुत सी जगह पे अवेलेबल हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी मतलब क्या डिफरेंसेस हैं या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे कवर नहीं हो सकती जो आपके पास कवर कर रही हैं कि आपको लोग बताए फ्री कोर्सेज के आपके कोर्सेज क्यों ज्वाइन करें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। जो अगर अगर आप समझते हैं कि यू आर अ गुड सेल्फ लर्नर, आप अगर एक डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिकली ये कोर्सेज यूट्यूब की वीडियो से या किसी और प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि इस तरह के 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग इस तरह के होते हैं
कि जो कि इतने डेडिकेटेड हों कि वो किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए इतनी डेडिकेशन से करें। हमारा एक मिजाज है, हमारा एक एज अ सोसाइटी भी और एज अ कंट्री भी, कि हम बेसिकली एक इस तरह की इन्वायरमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो नेटवर्क डेवलप होगा वो प्रॉबली फेसबुक पे या सॉरी आप यूट्यूब के लेक्चर देखने से वो नेटवर्क आपका उस तरह का डेवलप नहीं होगा। एक दफ़ा आप इस नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद आप इस तरह यूट्यूब के लेक्चर्स देखते हैं या लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो वो आपको खुद से फील होगा कि हाँ यार ये मैंने ये चीज़ की थी तो मैंने किस तरह के लोगों के साथ जो है वो नेटवर्क बनाना है अपना। ये नहीं है कि लिंक्डइन के ऊपर मैंने रैंडमली लोगों को कनेक्ट करना है या उनको रिक्वेस्ट भेजनी है जिनका मुझे पता भी नहीं है कि मैं इनके साथ क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सोशल मीडिया यानी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना और लिंक्डइन पे कनेक्ट करना डिफरेंस एक है, यानी एक नेटवर्क प्रोफेशनल नेटवर्क इज डिफरेंट और एक सोशल नेटवर्क जो है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी आप यू आर डेडिकेटेड, आपको एक अच्छा कोर्स मिल गया है, मैं आपके साथ बल्कि बहुत सारे मैं आपको बता भी सकता हूँ अगर आप प्राइवेटली मैंने अपनी इसमें स्लाइड में शो भी किया है, इफ़ यू कैन पिंग मी मुझसे कॉन्टैक्ट करें तो मैं आपको शेयर भी बता शेयर कर सकता हूँ कि यार ये चीज़ यहाँ से पढ़ लो, ये चीज़ यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है एज अ प्रोफेशनल, मैंने भी जो सबसे ज़्यादा गेन किया है वो ये किया है कि मैं किस तरह के नेटवर्क में जो गया हूँ ना वहाँ से मेरी लर्निंग सबसे ज़्यादा हुई है, बजाय इसके कि जो लेक्चर में जो चीज़ बताई जाती है या जो हैंड्स ऑन बताई जाती है उसका जो नेटवर्किंग का जो कोई रिप्लेसमेंट या कोई निमल बदल नहीं है। ख़ास तौर पर क्योंकि आप पाकिस्तान में अगर रह रहे हैं तो आपको जो लोकल लोगों का नेटवर्क मिलता है जो आपके उस नेटवर्क में जब आप एंटर होते हैं उसका जो है वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यस बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड डू दीज कोर्सेज फ्रॉम एनी ऑफ द फ्री रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब और एनी अदर चैनल। जी और कोई क्वेश्चन? सर एक छोटी सी सजेशन है कि हर बंदे के स्टूडेंट के पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो सारे कोर्सेज खरीद सकें या उसके लिए पे कर सकें, तो ऐसा पॉसिबल हो कि एडवांस नहीं तो कम से कम बिगनर लेवल पे कोई जो मेन कोर्स है जिससे बंदे इनकम कर सकता हो वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए ताकि बंदे वहाँ से स्टार्ट करके उस पर अपनी इनकम करके इनकम से पैसे बना के वहाँ उसके थ्रू आप कोर्सेज जो है वो खरीद सकें, या फिर ऐसे हो कि जो नीडी पीपल है उनके लिए फुल फी जो है ना वो कन्फेशन हो जाए ताकि उनके लिए ईजी वो भी इस पूरी फील्ड में इन हो सकें। जिशान साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है बट अनफॉर्चुनेटली जो रियल वर्ल्ड है जो यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के बाहर उसमें फ्री कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ऑक्सीजन ही है जो शायद कोरोना के दिनों में शायद वो भी अब इतनी फ्री नहीं है अगर खुदा खास्ता किसी को हो जाए। अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो फ्री लंच इन द इंडस्ट्री, आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और अगर आप देखें जैसे पावर बी आई का जो एक कोर्स है इसकी मेरा ख्याल है अगर आप चार ग्रुप का जो ग्रुप ऑफ फोर का डिस्काउंट है आई थिंक इट इज 8000 या आई थिंक 8500, उसमें भी जो हानिया ने बताया कि आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। आप प्रॉबली इस दौर में अगर आप एक नेटवर्क में आ रहे हैं और आप एक कोर्स करने के ये फी थोड़ी सी पे करते हैं तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, तो आप थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। फ्री लंच आपको जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल फील्ड में कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलता, तो ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे कहीं कोई चीज़ फ्री मिलेगी। एज अ प्रोफेशनल यू गेट नथिंग फॉर फ्री, ठीक है। हाँ ये कोई यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप तो नहीं है कि आप उसको कहेंगे जी वो क्योंकि किसी को मिला है, तो इंडस्ट्री में कोई स्कॉलरशिप नहीं होता। आप कोई चीज़ सीखते हैं उस पर कुछ थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, अपने पे इन्वेस्ट करते हैं और आपको उसकी एट टाइम्स 100 times रिटर्न मिल जाती है। आप हो सकता है 10,000 इन्वेस्ट करें और हो सकता है आपको 1,00,000 की रिटर्न मिल जाए, 10 गुना तो सीधी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ प्रॉबली मैं अगर ये आपकी थिंकिंग है तो मैं मतलब आपको यही कहूँगा कि इस थिंकिंग को भी थोड़ा चेंज करें। एज अ स्टूडेंट डोंट एक्सपेक्ट सच फेवर्स फ्रॉम पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री। आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन के साथ अगर जाएंगे तो आपको ये फील होगा कि शायद बहुत जालिम लोग हैं दुनिया में, लेकिन जालिम नहीं है, सब कुछ जो है उसमें कहीं ना कहीं देर इज़ सम बिजनेस वैल्यू। मनी इज बेसिकली बिजनेस वैल्यू, डोंट टेक मनी एज समथिंग के जो मॉनिटरी टर्म्स में उसकी कोई वैल्यू है, आप उसको ओवरऑल वैल्यू के तरफ से देखें, बिजनेस वैल्यू के तौर पे देखें, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ की वैल्यू के तौर पे देखें। इस तरह देखेंगे तो प्रॉबली आपको ये लगेगा अच्छा यार ये मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की और मुझे साल बाद 1,00,000 मिल गया तो ये तो 10 times मुझे रिटर्न मिल रही है, तो दिस इज लाइक एक्सेलेंट, ठीक है। ये अप्रोच जो है ना वो आपकी होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल। ये मेरा एक मतलब एक आपको सजेशन भी है एज एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल, और आपको एज अ छोटे भाई के तौर पर मैं आपको एडवाइस भी लेने तो ये मेरी आपको एडवाइस भी है कि ये थिंकिंग जो है ना ये थिंकिंग इंडस्ट्री में आपकी नहीं होनी चाहिए। जी किसी का कोई कमेंट है लास्ट, क्योंकि आप जाने मेरे ख्याल में शुरू होने वाली हैं, तो अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दिस, वी कैन टेक वन लास्ट क्वेश्चन। सर
अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं सिक्स सेमेस्टर के अदर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर मैंने ये पूछना था कि अब जैसे हम यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हैं, इसमें हम बाकी चीज़ें भी बहुत सारी पढ़ते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, या एंड्रॉयड वगैरह हो गया। अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो फिर हमें उन सारों को छोड़ देना पड़ेगा या वो भी किसी तरह यूज होंगे इसमें? देखिए, अगर आप एज अ डेवलपर ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी अल्टीमेटली किसी लेवल के ऊपर जाके हो सकता है आपको कोई एल्गोरिदम ऐसा इंप्लीमेंट करना पड़ जाए आपकी ऐप में कि जिसमें आपको डेटा की बेस के ऊपर कोई एनालिसिस आपको करना पड़े, या आपको हो सकता है उसकी बेसिस के ऊपर कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम डेवलप करना पड़ जाए। बट नॉर्मली इस तरह की एंट्री लेवल पोजीशंस के ऊपर इस तरह की डेवलपर्स के साथ रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो डेवलपर्स का काम तो यही है कि जो भी वो ऐप बना रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर या तो वो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उस डेटा को कहीं अल्टीमेटली सेव कर रहे हैं, उस डेटा को आगे कोई और एप्लीकेशन अगर यूज़ कर रही है तो वो एंट्री लेवल के डेवलपर से वो नॉर्मली वो इंडस्ट्री में लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो वो नॉलेज तो आपका है, लेकिन ये तो मैं आपको बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जिसमें एज अ डेवलपर आप अपना करियर परसू नहीं कर रहे, आप कहते हैं कि मैं तो फर्स्ट डे से डेटा में एज अ डेटा एनालिस्ट जो है ना मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैंने आपके साथ जो है ना वो चीज़ें शेयर की। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर सॉरी मैं आपका नाम भूल गया हूँ, डॉक्टर उमर रशीद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग योर स्टूडेंट्स टू दिस वेबिनार। आई होप कि इसका डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, और हमने शेयर कर लिए हैं हानिया ने वो सारे लिंक्स। आप अगर कॉन्टेक्ट करना चाहें मेरे से करना चाहें या हानिया से करना चाहें तो वो सारे लिंक्स उसमें जो है वो गिवन है। कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपकी क्यूरी है, कोई आपका कॉमेंट है, सो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू डॉक्टर रियाज, और थैंक यू वेरी मच अगेन। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर इंशाल्लाह रहता होगा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, डेट वॉज क्वाइट एन एनलाइटनिंग सेशन। डाइस एनालिटिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड बात हो गई है। जस्ट टू give you guys hint about trainings, these trainings are launched every month, aur har data analytics ki different branches jis tarah humne discuss kiya hai, data warehouse, big data, advanced machine learning aur devops, is tarah ki different trainings hum log launch karte hain every month, aur ye launch hoti hai hamare social media channels pe, to aap log social media channels ko follow kare to aapke paas updates bhi aati rahengi। agar aap log interested hain kisi bhi training mein to contact numbers aapko diye hue hain, aap log is pe humse reach out kar sakte hain और हम इस पे फिर मजीद डिस्कशन कर लेंगे जो भी इंटरेस्टेड हो उसके साथ। सो आई होप यू ऑल हैव वी ऑल हैव अ गाइडलाइन टू किक स्टार्ट अवर करियर इन दिस डोमेन्स। आई विश यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स अ वेरी गुड लक इन फाइंडिंग योर ड्रीम जॉब्स एंड हैविंग अ सक्सेसफुल करियर। थैंक यू मिस्टर एलवी फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल एंड ऑर्डरिंग अस विद योर प्रेजेंस। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू।